नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर देश में जो हो रहा है हमें सब पता है। 26 जनवरी की घटना, वायलेंस, फार्मर्स का स्ट्राइक, सेलिब्रिटीज का ट्वीट, उन ट्वीट पे पॉलिटिक्स, हम सब जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेटा थनबर्ग ने क्या ट्वीट किया, उसके क्या परिणाम हुए, उस पर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, ग्रेटा थनबर्ग कौन है और उनका ट्वीट और टूलकिट क्या कहता है। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो दो पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है, और अगर आपको पता है कि वो कौन है तो कमेंट में मैं एक टाइम टाइम दूंगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, जहां पर आप दूसरा सेक्शन पे पहुंच जाएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि ग्रेटा थनबर्ग और फार्मर्स प्रोटेस्ट में क्या रिलेशन है। तो शुरू करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग यानी ग्रेटा टिनटिन एलियोनारा अर्नमैन थनबर्ग, ये एक 18 वर्षीय स्वीडन की रहने वाली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यानी पर्यावरण कार्यकर्ता है। वो इंटरनेशनली वर्ल्ड लीडर्स को क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ठोस कदम उठाने के लिए चैलेंज करने के लिए जानी जाती है। उनकी मदर एक ओपरा सिंगर और फादर एक एक्टर है। 2011 में जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तब उन्हें पहली बार क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चला। इस बात पे उनके मन पर इतना असर हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई, खाना पीना छोड़ दिया और उनका 8 से 10 किलो तक वजन भी कम हो गया था। इवेंचुअली उन्हें एस्पर्जर्स सिंड्रोम, जहां सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में दिक्कत आना, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां एक पर्सन लगातार एक ही काम बार बार करता है, एक ही चीज बार बार सोचता है, और सिलेक्टिव म्यूटिज्म, जहां अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो इंसान बात नहीं कर सकता, ऐसे डिजीजेस डायग्नोज हुए थे। 3-4 साल डिप्रेशन में रहने के बाद ग्रेटा ने अपने फैमिली को एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में काम करने के लिए मना लिया, जिसके चलते आज उसका पूरा परिवार वीगन है, अपसाइक्लिंग यानी कि रिसाइक्लिंग में बिलीव करता है, और वो तो अब एरोप्लेन से भी ट्रैवल नहीं करते क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजन्स हानिकारक गैसेस, पीएम कण और आवाज फैलाता है। इनफैक्ट ग्रेटा ने 2019 में यूएन क्लाइमेट चेंज समिट एक शिप से अटेंड किया और ना कि फ्लाइट से। ग्रेटा दुनिया के सामने तब आई जब 2018 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ग्रेटा ने स्कूल न जाके स्वीडिश पार्लियामेंट में धरना करने की सोची। वो लगातार पार्लियामेंट में जाके धरना करती, हाथ में सिर्फ एक साइन बोर्ड लेके जिसपे लिखा था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। पहले तो ग्रेटा को किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उसका निश्चय देख जब मीडिया में प्रसिद्धि मिली तब उसके दोस्तों ने भी उसे सपोर्ट किया, और देखते ही देखते फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम का एक आंदोलन मूवमेंट पूरे देश में शुरू हो गया, जहां स्कूल के बच्चे अपना फ्राइडे का क्लासेस स्किप करके धरने पे बैठ जाते थे पार्लियामेंट के सामने, और पॉलिटिशियन से डिमांड करते थे कि आप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कुछ ठोस कदम जरूर उठाइए। पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ठोस कदम उठाने के लिए ग्रेटा ने जो आवाज उठाई, वेस्टर्न मीडिया ने उसे द ग्रेटा इफेक्ट का नाम दिया। ग्रेटा को कई अवार्ड्स मिले हैं। वो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में सबसे यंगेस्ट टाइम पर्सन चुनी गई थी। 2019 में फोर्ब्स लिस्ट के वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में भी उनको स्थान मिला है, और यही नहीं तो लगातार 3 बार ग्रेटा का नोबेल पीस प्राइज में नॉमिनेशन भी हुआ है। अब जब हमने ये जान लिया कि ग्रेटा कौन है, ये जानते हैं कि ग्रेटा और फार्मर स्ट्राइक में क्या संबंध है, ग्रेटा ने क्या ट्वीट किया, उसके टूल किट में क्या है, और क्यों दिल्ली पुलिस ग्रेटा पर FIR भी कर सकती है। हम सब जानते हैं कि देश में पिछले 2 महीनों से फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 3 नए फार्म लॉज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे फार्मर्स नाराज है और उसको खारिज करने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते रिहाना, जो एक US पॉप सिंगर है, और ग्रेटा थनबर्ग, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट को समर्थन दिया और उसे वर्ल्ड स्टेज पे एक चर्चा का विषय बना दिया। ग्रेटा ने ट्वीट किया कि वी स्टैंड इन सॉलिडैरिटी विद #फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। देखते ही देखते भारत में कुछ लोग इससे बहुत गुस्सा हो गए और रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट्स को भारत विरोधी और भारत की यूनिटी को चोट पहुंचाने का आरोप करने लगे। इसी बीच ग्रेटा ने दूसरा एक ट्वीट किया और द इनफेमस टूल किट के बारे में प्रोटेस्टर्स को बताया। इस टूल किट में ग्रेटा ने शेयर किया कि कैसे कोई अगर फार्मर्स के मूवमेंट को सपोर्ट करता है तो उनके साथ खड़ा हो सकता है,
कैसे उन्हें धरना करना चाहिए और कैसे कोई भी फार्मर्स प्रोटेस्ट का कार्यकर्ता सरकारी कार्यालय यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने अपना प्रदर्शन कर सकता है। इस टूल किट का ये जो लाइन है कि प्रोटेस्ट नियर इंडियन एम्बेसीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मीडिया हाउसेस ग्लोबली, इस लाइन को पुलिस एलिजिडली वायलेंस फैलाने वाली कहती है। और 26 जनवरी को रेड फोर्ट में जो हुआ वो इसी मानसिकता से हुआ, ये भी उनका कहना है। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट के निर्माताओं यानी क्रिएटर्स पे FIR भी किया है। एक बात याद रखनी है यहां पर कि ग्रेटा थनबर्ग का नाम कहीं भी नहीं है इस FIR में। ये FIR या फिर क्रिमिनल केस अननोन पीपल पे चलाया जाएगा। इसकी छानबीन और होनी बाकी है, इंक्वायरी के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ग्रेटा थनबर्ग का इसमें नाम आएगा या नहीं। अब तक की पुलिस इंक्वायरी में मालूम पड़ा है कि ये टूल किट के क्रिएटर्स एक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, एलिजिडली एक कैनाडा बेस्ड प्रो खालिस्तानी ग्रुप है। लेकिन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का कहना है कि उसका और फार्मर्स प्रोटेस्ट इंडिया में जो हो रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूल किट का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। महात्मा गांधी ने भी फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर एक टूल किट जारी किया था, जिसके चलते कार्यकर्ताओं को नॉन वायलेंट तरीके से फ्रीडम की लड़ाई लड़नी थी। इंडिया के कई सेलिब्रिटीज और राइट विंगर्स ने रिहाना, ग्रेटा और मिया खलीफा के ट्वीट्स को देश की यूनिटी पर हमला कहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इंडियंस यूनाइटेड स्टेट्स की ब्लैक लाइव्स मैटर, जो जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ था, उस पर अपनी अगर राय रख सकते हैं तो वो क्यों नहीं। आई थिंक हमारा देश इतना कमजोर नहीं कि 18 साल की एक लड़की के ट्वीट पर बिखर जाए। इनफैक्ट इस सिचुएशन से हमें सीख लेनी चाहिए कि हाँ, हम में भी कुछ कमियां हैं और हम उन कमियों को सुधारने में कोशिश करेंगे। और अगर कुछ मुद्दों पर इंटरनेशनल डिबेट होता भी है तो उससे हम एज कंट्रीमैन छोटे नहीं हो जाते। मोर ओवर, एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्टेट सब्जेक्ट है। माने सिर्फ राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स ही उस पर कानून बना सकती है। इसलिए कई लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये तीन लॉज स्टेट सब्जेक्ट पर एंक्रोचमेंट है। पर वही कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो तीन लॉज बनाए हैं उनसे स्टेट सब्जेक्ट या फिर एग्रीकल्चर पर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना तो यही है कि हम सब, राइट, लेफ्ट, सेंट्रिस्ट, हर कोई बस फार्मर्स की स्थिति में सुधार हो ये कामना करता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि हम ज्यादातर लोगों का ज्यादातर फायदा करें, ना कि सिर्फ कुछ लोगों का ज्यादा फायदा और ज्यादा लोगों का कम फायदा। आपको क्या लगता है, ग्रेटा रिहाना ने जो ट्वीट किया वो सही था या गलत? मेरा सारा एनालिसिस न्यूज़पेपर और मीडिया रिपोर्ट्स पे बेस्ड होता है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके सामने ऐसे वीडियोस लाने के लिए मैं प्रेरित हो जाता हूँ। थैंक यू।